पंजाब दे उद्योगिक विकास खास करके पेंडू इलाकों के विकास और नौजवानों लिए रुजगार के मौके सिरजन लिए वड्डा हमला मारदिया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज सनअतकारां नूं सूबे के पेंडू इलाकों में सनअती यूनिट स्थापित करने का सद्दा दिता है। जलंधर में सरकार सनअतकार मिलनी दौरान अपने विचार पेश करदिया मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंडू इलाकों में उद्योगपतियों नूं प्रफुल्लित करना समय की लोड़ है। उन्होंने कहा कि इस कदम नाल दूरा उद्देश पूरा होगा क्यों जो इस नाल जिथे सनअती विकास नूं हुलारा मिलेगा उत्ते ही पेंडू खेत्र के नौजवानों लिए रुजगार के नवे दिशहदे कायम होंगे। भगवंत सिंह मान ने सनअतकारों इन्हां इलाकों में आपो अपने यूनिट स्थापित करने में पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिता है। मैं सोचा व्यापारी क्यों जाते हैं बई पॉलिटिशियन को लाल रंग दी थैलियां लैके इलैक्शन वेले किसी भी पार्टी की तुसी किसी मैनीफेस्टो नूं कोई लाइक नहीं करते, थोड़ा कोई लेना देना नहीं हुंदा उहदे नाल भी कौन लड़दा है कौन किन्नियां सीटां लड़दा की दा की। तुसी क्यों जाने हो लाल रंग दियां थैलियां लैके दोनों तिने पार्टियां कोले, तुसी जाके की कहने हो आपदे दिलों तां कहने हो आ जी तुहाडा खर्चा होऊगा जी आ थोड़ा जिहा रख लैंदे योगदान, अंदरों तुसी इह कहने हो भरावा जे तूं जित गया तूं तंग ना करी, उह दूजे नूं कहने जे तूं जित गया तूं ना तंग करी, बस चलाया। एम आई राइट? यहोजे ग्राउंड दी गल्लां किसे नूं पता होगा? इहनूं पता ही नहीं कि इंडस्ट्रियलिस्ट किवें काम चला रहा है। यार चोर कहिंदे आ उहनूं जो दुनिया भर दियां पाबंदियां लाउणियां इंडस्ट्रियलिस्ट ते ला दो, तुसीं हफ्ते चो तीन दिन नहीं चला सकदे जी, साडे कोल बिजली है नहीं, तो बिजली हुण किवें होगी जी आगे? हुण तां लग्गिया कोई इदां दा कट कि तुहानूं असीं कहा होवे हफ्ते च दो दिन कट्टो पैडी दे सीजन वेले, नो नाले पैडी दे सीजन च असीं 12-12 घंटे 14-14 घंटे। कारण नीयत साफ पचवाड़ा झारखंड दे विच पचवाड़ा कोल माइन है पंजाब सरकार की 2015 तो बंद पई सी इस करके क्योंकि आले दुआले खरीदते सी कमीशन मिलता सी, असी ओह कोल माइन चला ली साढ़े कोले कोला आम हो गया, इस वक्त कोला असी प्राइवेट सैक्टर नूं भी देण नूं तैयार बैठे हाँ, इन्ना कोला पिया साढ़े कोल। सो बिजली तो बिना असी करांगे की? इंडस्ट्रियलिस्ट नूं कही जांदे जा जा के बिजली है नहीं, हुण बिजली जदों आम होगी जिहड़ी तुहाडियां तुसी 5 रुपईआं वाली गल जिहड़ी कह रहे सर, मैनूं याद है तुसी घरे आए सी मेरे कोले 1.5 घंटा 2 घंटे आपां उत्थे बैठे सी और ज बिजली दे बहुत सारे असी हुण इंडिया का सब तो सस्ता 2.53 रुपये पर यूनिट असी एग्रीमेंट किया सोलर का, इंडिया का सब तो सस्ता है जी, उहदे नाल सानू बिजली आऊगी। असी अपना 700 एकड़ का गोबिंदपुरा है ना जी, उत्थे 700 एकड़ का सी वह लाउणा तां उत्थे उन्हां ने थर्मल सी पर उहनां तों नहीं लग्या, पर वो क्योंकि एनर्जी वेस्ट ही है, वो कहिंदे जी सानू जिहड़ी हुण ग्रीन एनर्जी वल जा रहे हैं आपां सानू एनर्जी नाल रिलेटड ही साडा मंतव बदल दो, थर्मल की बजाय सानू सोलर की इजाजत दे दो। जे कितें उन्हां तों मंगदे ना उन्हें कहना सानू किन्ने दिना है, तो मैं उन्होंने कहा कि बिजली किन्नी पैदा करोगे तो रोज़गार किन्ने दोगे, वो कहिंदे इन्ने का, मैं कर लो जी तुसीं बिजली पैदा करो के दिओ रोज़गार मिलेगा साडी इंडस्ट्री चलूगी, असीं चाहुंदे आ पिंडां वल नूं जावे इंडस्ट्री, थानू लेबर उत्थों ही मिले लोकल लेबर मिले, वो लेबर सवेरे आवे शाम नूं घरे जावे। मैं मेरी गल ध्यान नाल सुन लियो, बहुत तुसी बड़े बंदे हो, मैं थानू अन्नदाता मानदा थानू टैक्सदाता करदाता मानदा असी थानू चोर नहीं मानते, मैं जो असी विजन बना के तुरे हाँ मैं पंजाब दे मुंडे कुड़ियां नौजवान मुंडियां दे हत्थों टीके खो के टिफन फड़ाने चाहना, वो तुसी कर सकते हो। वेला मन शैतानी का घर, जे वेला रहूगा वह बुरी संगत च पऊगा, सरकार लई मुसीबत बनूगी, लॉ एंड ऑर्डर नूं हाथ च लऊगा, पता नहीं की होगा। जे फैक्ट्री ला दिए सारे काम ते लग जाएंगे, यहो जहा कुछ दिमाग च ही नहीं आना जी, यहो जहा कुछ दिमाग च ही नहीं आना। सो मैं असी थानू ये कहने हूँ तक 1.5 साल हो गया जी 1 रुपये का कोई मुख्यमंत्री तो कोई लग गया हो कि किसी थोड़े से बहुत सारे होंगे काम हुए होंगे कदे किसी लॉबिंग करनी पई हो 1 रुपये का कोई रिश्वत जी है
मुख्यमंत्री के दफ्तर च जां सीएमओ चो कोई ऑफिस चो साडे चो कोई फोन आया होवे सीएमओ चो बोलदे आ इन्ना थोड़ा जिहा चढ़ावा चढ़ा जाओ ना कदे भी नहीं। असी इलैक्शन लड़ी है जलंधर की, तो इलैक्शन लड़ी है जिताई भी है, तुसीं इस गल लई धन्नवाद भी करदे आ क्योंकि वोटां पाईआं वोटां दिसीआं ने नज़र आईआं ने। इलैक्शन वेले भी दस दो कि तो आम तौर पर पार्टियां इलैक्शन वेले इकट्ठे कर लैंदियां फंड, इलैक्शन हो के हटी है बाय इलैक्शन तुसीं दस दो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट नूं असीं कहा होवे कि पैसे दे दे फिर गल करदे। असीं कहा पैसे च इन्हां नूं हरा ही नहीं सकते, हरा तो प्यार च सकते हैं तो प्यार वाले पास असीं कोई घाट नहीं रखते। सो मकसद की है इस मिलनी का? देखो कोई तुसीं अंदोलन नहीं किया, कोई तुसीं धरना नहीं लाया, कोई तुसीं ट्रैफिक नहीं रोकी कि भाई साडे नाल मिलदी क्यों नहीं करते। असी सोचा है कि यार पहला तो जाने वोटा तो पहला तो बाद च क्यों नहीं जाते फिर आपां हुण कोई आले दुआले वोटा नहीं है असी ना ही तुहानूं असी कोई वोट मटीरियल जां कोई पोलीटिकल इस तरह ना समझदे आ। साडे लई इह है असी कहा कि जी चार थावें गए सीगे, मैं सीएम साहब नाल गल की, मैं कहा सर अमृतसर ताज दे विच, जलंधर बाठ कैसल दे, लुधियाने रेडिसन च, ते रेडिसन रेड मोहाली, आपां सर चार टाउन हॉल कीतियां सी, उत्थे आपां गरंटियां दित्तियां सी ते सर वह गरंटियां चो बहुतियां पूरियां हो गईयां, थोड़ियां जे रह गईयां वह भी पुछ लांगे, कोई नवीं गरंटी देनी पई तां वह भी दे लांगे ते आपां नूं मिलना चाहिए दोबारा। ये इन्नी खुशी ना हाँ की, कहिंदे मैं भाषण नहीं देना, मैं तो बस चश्मदीद गवाह बनना भी गरंटियां पूरियां हो रही ने, इसे करके वो देख रहे सी। आज मेरा यहाँ आने का दो मकसद है, एक इसी हॉल में विधानसभा चुनाव के पहले हम आए थे, हमने आपके साथ इंडस्ट्री के साथ टाउन हॉल किया था, कई सारे वादे किए थे, कुछ वादे बाकी हैं, कई वादे पूरे हुए हैं। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब ने अभी जो प्रेजेंटेशन दिया, ढेर सारे अनाउंसमेंट्स आज हुए हैं और ये अनाउंसमेंट्स कोई फौरी तौर पे नहीं है, अनाउंसमेंट्स एक एक अनाउंसमेंट बहुत सोच समझ के डिटेल में जाके पूरी स्टडी करने के बाद, जैसा बताया गया कि एक डेढ़ महीना पहले एक व्हाट्सएप नंबर सीएम की तरफ से, एक व्हाट्सएप नंबर और एक फ़ोन नंबर ईमेल जारी किए गए थे और जनता से सुझाव मांगे गए थे, इंडस्ट्रियलिस्ट से सुझाव मांगे गए थे, लगभग 1500 से ज़्यादा सुझाव आए। उन सारे सुझावों को ऑफिसर्स ने और मुख्यमंत्री साहब ने पर्सनली पढ़ा और उनको पढ़ने के बाद उनको निचोड़ के ये आज जितने सुझाव जितने अनाउंसमेंट्स किए गए हैं वो हैं। अभी उनमें कुछ सुझाव ऐसे हैं जिस पे अभी काम चल रहा है, तो बाकी जो काम हैं वो भी पूरे होंगे। तो एक तो मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये था कि जो कुछ हम लोगों ने चुनाव के पहले वादे किए थे उनमें कई वादे पूरे हुए हैं और कई वादे पूरे हो रहे हैं, कई गारंटी पूरी हुई और कई गारंटियों पे काम चल रहा है। और दूसरा मकसद ये था, जिस तरह से आपके साथ हम लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है, अभी जैसे कपूर साहब ने कहा कि उनकी 40 साल की बिजनेस लाइफ में उन्होंने आज तक कभी किसी सरकार को इस तरह से इतना डिटेल के अंदर, चुनाव के टाइम तो सारे आते हैं, अभी चुनाव का टाइम नहीं है, हम आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आए, अभी अभी जलंधर का चुनाव पूरा हुआ है, चुनाव जीतने के बाद आपके साथ बैठ के आपका काम करने के लिए आए हैं, हम आपसे आज वोट मांगने के लिए नहीं आए। तो आज हमारा आपके साथ बैठ के इतना लंबा, पिछले 3 घंटे से हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, आपके साथ बात करने का एक ही मकसद है, आपको ये बताना कि हम आपके साथ हैं, बस ये बताना चाहते हैं हम। आज पंजाब के अंदर दो स्तर के ऊपर, दो लेवल के ऊपर इंडस्ट्री का एक्सपेंशन का प्लान किया जा रहा है, एक बाहर से बहुत बड़े स्तर के ऊपर पंजाब के अंदर इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, होनी शुरू हो गई है, 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स शुरू हो गए हैं, एमओयू साइन नहीं हुए हैं,
एमओयू तो झूठे होते हैं। मैंने देखा है यूपी के अंदर इन्वेस्टमेंट समिट होता है, गुजरात के अंदर इन्वेस्टमेंट समिट होता है, बड़ी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सब झूठे होते हैं। 50,000 करोड़ रुपए की बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, टाटा स्टील अपना सेकेंड लार्जेस्ट प्लांट पंजाब के अंदर लगाने जा रहा है, 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स चालू हो चुके हैं, 3,500 प्रोजेक्ट्स जिसमें 286,000 हमारे पंजाब के युवाओं को नौकरी मिलेगी, ये बहुत बड़ी बात है।